संदीप सर से केवल गणित सीखी कि जीवन की भी गणित कुछ सीखी है। संदीप सर की सबसे बड़ी खासियत मुझे यही लगी कि सर एकदम पॉइंट वाइज के अलावा कहीं बात नहीं करते। इससे पहले भी मैं 2018 में कांस्टेबल के और 2019 के कांस्टेबल, मेरा दोनों में एग्जाम क्लियर हुआ। लेकिन ये बड़ा जरूरी है कि शुरुआत सर ऑफलाइन से ही होनी चाहिए, ऑनलाइन उसके बाद आपके लिए कारगर साबित होता है। ऑनलाइन आपका जो आप जो हीरा आप हैं उसको तराशने का कार्य करता है, ऑनलाइन आपको सजा देता है। मैंने क्या किया था सर, मार्च 21 में मैंने लिया और 30 नवंबर 2021 को मेरा एग्जाम था। उस दौरान टारगेट ऑन के यूट्यूब चैनल पे कोई ऐसा वीडियो नहीं होगा जिसको मैंने नहीं देखा। अपने बैच से हटकर, अपना बैच के तो सारे लेक्चर मैंने देखे, उसके अलावा टारगेट ऑन में जो यूट्यूब चैनल में। संदीप सर से केवल गणित सीखी कि जीवन की भी गणित कुछ सीखी है। संदीप सर की सबसे बड़ी खासियत मुझे यही लगी कि सर एकदम पॉइंट वाइज के अलावा कहीं बात नहीं करते। करेक्ट, यही उनकी सबसे बड़ी खासियत है। क्योंकि अगर सर का 40 मिनट लेक्चर है, आप ये मानिए कि 40 मिनट एक भी सेकंड ऐसा नहीं है जो आपका वेस्ट हो रहा है। Correct. क्योंकि वो एक भी मिनट कहीं और की बात ही नहीं करते। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जो संदीप भैया है ना, वो YouTube के सबसे जो है अनुशासित मैथ के अध्यापकों से हैं जिन्हें मैंने अपने जीवन में देखा है। और आज जब कोई हमारा चयनित छात्र इस तरीके से कहता है जो चीज़ें हैं कि 40 मिनट अगर संदीप भाई पढ़ाते हैं तो 40 मिनट में से 40 मिनट वो केवल आपको पढ़ाते हैं, 60 मिनट में से 60 मिनट पढ़ाते हैं, तो आपको यही चाहिए। अगर आप दूर बैठे हैं और हम ईमानदारी से आपको 60 में से 60 मिनट पढ़ाते हैं, तो ऐसे हैं अपने संदीप भाई, वो जीवन की गणित भी सिखाते हैं और परीक्षा की गणित भी सिखाते हैं। तो आज देखिए एक सफल छात्र हम लोगों के बीच में बैठा है। संदीप सर के लिए तो मैं ये कहूँगा सर कि सर की पर्सनालिटी जो कहते कुछ भले नहीं है, पर उनका रहना और उनके स्वभाव, उनका चाल चलन, जो जिस तरीके से उनका तरीका है बात करने का, पूरी बात रखने का अपना, वो खुद ही लोगों को बताता है कि आपको ये बनना है। इनकी आंखें बहुत बोलती हैं हम लोगों को लगता है। आपको क्या लगता है? सर आंखों मेरा ध्यान कभी गया नहीं, क्योंकि सर की आवाज़ और सब, सर का हाथ कहाँ चल रहा है, वो क्या लिख रहे हैं, उस चीज़ पर ध्यान लगातार बना रहा है। रीजनिंग के लिए मुझे नहीं लगता है कि जो है समय और कंटेंट मोहताज रहता है। जब रीजनिंग रवि सर पढ़ाते हैं तो निश्चित तौर पे मैंने भी उस चीज़ को देखा है कि सच में रीजनिंग बोलती है, और उनकी सहेली, उनकी बातचीत, उनकी उनका व्यवहार, वो भी उस दिशा में झलकता है। अगर 10 भी मिनट रवि सर पढ़ाएँ तो निश्चित तौर पर रीजनिंग होती है। आप लोग ये बताइए कि संदीप भैया की आंखें बोलती हैं कि नहीं बोलती है? आप लोगों ने तो देखा होगा, तो आप लोग जरूर बताएंगे। आनंद भी इंतजार कर रहा है, हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि संदीप सर की आंखें क्या क्या बोलती है, ये आप लोग जरूर बताइएगा। तो हम पूरी टीम की तरफ से, हम भाइयों की तरफ से, आप लोग एक बहुत ज़बरदस्त इंटरव्यू अभी देखने वाले हैं जो मैं आनंद जी के साथ रिकॉर्ड करने वाला हूँ, और ये बहुत बढ़िया लगेगा आपको, क्योंकि आप आनंद के जीवन के जो भी अनुभव हैं वो इस इंटरव्यू में आपसे साझा करेंगे, जो आपकी परीक्षा के लिए, तैयारियों के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और कैसे हम लोगों ने पढ़ाया, कैसे दूरस्थ माध्यम से इन्होंने पढ़ा, और क्या डिसिप्लिन इनका ऑनलाइन शिक्षा में रहा। और आप जब ऑनलाइन शिक्षा लेते हैं तो आपको उस बैच के साथ घर पर क्या क्या चीज़ें और ऐसी करनी चाहिए जो आपको निश्चित रूप से सफलता तक पहुँचाए, तो ये सभी बातें जो है अभी हम लोग जो है आनंद जी के साथ करेंगे। और निश्चित रूप से यह सफल, यह 25 से 30 मिनट का वार्तालाप आपके लिए बहुत प्रेरक होने वाला है, और आपकी सफलता में जो आप पथ पर चल रहे हैं उस पथ को निश्चित रूप से नई दिशा और नई ऊर्जा देगा। तो हम सभी लोगों की तरफ से जो है आप लोगों को शुभकामनाएं, आप इसको जरूर देखिए। और संदीप भैया कुछ कहना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि आनंद ने जो अचीवमेंट हासिल किए वो अपने शब्दों में रवि सर के साथ साथी बनकर अच्छे से व्यक्त करें। एक एस्पिरेंट्स की तरह, एक अभ्यर्थी की तरह हमें देख रहे हैं, और निश्चित तौर पर इस इंटरव्यू से अपने को मोटिवेट करें, अपने जीवन में, अपनी पढ़ाई लिखाई में, अपने रास्ते में, उस रास्ते में जिसमें जो उसको सफलता का रास्ता बोला जा सकता है, उसको और बेहतर और मजबूत बनाने के लिए, अपनी तैयारी अच्छी और व्यवस्थित करने के लिए, जिससे कि आप सफलता के मार्ग से बिल्कुल विचलित ना हो, यह इंटरव्यू निश्चित तौर पर आपके काम आएगा। आप रवि सर के साथ और आनंद के साथ, मैं चाहता हूं कि उस इंटरव्यू को बिना किसी डिस्टर्बेंस के अच्छे से हर एक पहलू को, हर चीज़ को सुने, और एक कैसे सफलता अर्जित की जाती है
कैसे हर एक सिचुएशन को बेहतर बनाया जाता है, कब जो है हमारे सामने विषम परिस्थितियां आती हैं और उसको भी हम लोग उसको नकारते हैं, उसको फेल करते हैं और उसको अपने लिए मोटिवेशन का एक तरीका बना करके उसमें हम आगे बढ़ते हैं। मैं चाहता हूं कि इस इंटरव्यू को पूरी अच्छी तरह से कंटिन्यू किया जाए। तो अब हम लोग आनंद जी से बात करेंगे। संदीप सर को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संदीप सर कहता हूँ तो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता क्योंकि मैंने हमेशा उनको भाई कहा, तो मैं संदीप भैया को कहूँगा बहुत बहुत धन्यवाद। एक संस्था की क्या भूमिका हो सकती है, एक शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है, एक अच्छी संस्था और शिक्षक होने के साथ साथ आप जिस परिवेश में पढ़ाई कर रहे हैं उस परिवेश को आपको कैसे बनाना है, दिन भर के रूटीन में आपको अपने आप को कैसे ढालना है, पारिवारिक संघर्ष भी हो, परिवार में परेशानियां भी हो तो उनका मुकाबला कैसे करना है, इसकी एक जीवंत मूर्ति आपके सामने बैठी है। अभी आप जब इस इंटरव्यू को सुनेंगे तो आप देखेंगे कि आपके बीच का एक मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा कैसे संघर्षों के साथ दो दो हाथ करते हुए आगे बढ़ता है और सीतापुर में जाके अपनी ट्रेनिंग को प्रारंभ करता है। 21 मार्च को उसने निर्णय लिया था कि उसको एक ऑनलाइन बैच लेना है और नवंबर 2021 में उसका जीवन बदल जाता है। उन 8 महीनों का सफर उसके लिए कैसा रहा, इस सारगर्भित बातचीत में अब हम लोग आपके सामने रखेंगे। तो अगला फ्रेम हमारे और आनंद का होगा और हम लोग पूरे आनंदपूर्ण तरीके से इस वार्तालाप को और इस सफर को प्रारंभ करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट ऑन में। मैं रवि तिवारी और मेरे साथ आनंद जी हैं। आनंद हम लोगों के छात्र रहे, स्टूडेंट रहे हैं, पिछले 3 वर्षों से ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से हम लोगों से जुड़े हुए थे और सबसे सुखद बात यह है कि अब इनका चयन हो चुका है और ये ट्रेनिंग कर रहे हैं। आज ट्रेनिंग से छुट्टी मिली 4 दिन की, तो इनको अपने गुरुजनों की याद आई और हम लोगों से मिलने चले आए। एक अध्यापक के लिए, एक संस्था के लिए ये सबसे अच्छा दिन होता है कि उनके पढ़ाए हुए जो सदस्य हैं, जो साथ रहे हैं, जो सदस्य हैं, वो चयनित हों और चयनित होकर मिलने आए। विश्वास मानिए कि दिन भर की थकान को दूर करता है और हम सभी लोगों को और ऊर्जा देता है कि हम आपके साथ लगातार मेहनत करें। एक मध्यम वर्गीय परिवार से, एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से आनंद जी का वास्ता रहा है और बहुत संघर्षों के साथ आनंद जी ने मेहनत किया, बहुत कठिन परिश्रम किया। इलाहाबाद जैसे शहर में आकर रहने के उतने साधन संसाधन नहीं थे, घर पे ही रह के ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई की और हम लोगों ने जो एकलव्य बैच चलाया था उस एकलव्य बैच के सदस्य थे वो आज इस संस्था और हम सभी सदस्यों के लिए वास्तव में एकलव्य हैं। तो मैं संस्था की तरफ से आनंद जी का स्वागत करता हूं और मेरे लिए आज बहुत खुशी की बात है कि मैं ये ब्लॉग आप लोगों के लिए शूट कर रहा हूं आनंद जी के साथ और मैं चाहता हूं कि वह अपनी परीक्षा के समय की और परीक्षा से पहले की जितनी भी चीजें रही हैं, कैसे उन्होंने तैयारी की, किस तरीके से वो पढ़ाई करते थे, कभी अगर कठिन परिस्थिति आए तो घबराना नहीं चाहिए, कैसे अपने आप को मैनेज करना है, ऑनलाइन शिक्षा कैसे आपके चयन में सहायक हो सकती है, वो सभी विचार आपके सामने रखें जिससे कि आप जो दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से पढ़ रहे हैं, आप अलग अलग तरीके से पढ़ रहे हैं, न केवल आपको मोटिवेशन मिले बल्कि आप इतनी सकारात्मक दिशा में चले जाएं कि अगला ब्लॉग हम आपके साथ शूट करें यहाँ पर और आप चयनित होकर बैठे हों। जब आप चयनित होकर आते हैं तो हमारे लिए गर्व की बात होती है, हम आपको मिठाई खिलाते हैं, हम आपका सम्मान करते हैं, हम आपको पुष्प गुच्छ अर्पित करते हैं, भेंट करते हैं, हम आपके साथ सिलेक्शन वाली चाय पीते हैं और ऐसा सम्मान हम बारंबार आपका करना चाहेंगे। मैं चाहूँगा कि हमेशा आप लोग सेलेक्ट होके आए और मुझे प्रतिदिन ऐसे 2-3 ब्लॉग शूट करने पड़े, ये हम सब के लिए बड़े हर्ष और गर्व की बात होगी। तो अब आनंद जी की आवाज़ होगी, मैं उनसे कुछ प्रश्न पूछूंगा, वो भी अपने कुछ अनुभव साझा करेंगे। उससे पहले मैं संस्था की तरफ से आनंद जी को एक बुके देकर सम्मानित करना चाहता हूं और उनका स्वागत करना चाहता हूं। मैं अपनी टीम से अनुरोध करूंगा कि बुके हमें प्रदान करें। आनंद जी, यह संस्था की तरफ से आपको, आप खूब बड़े हों और तरक्की करें और अच्छे चयन लें, प्रदेश की, देश की, राष्ट्र की सेवा करें और आपसे प्रेरित होकर और भी लोग इस सेवा पथ पर आगे बढ़ें, यही हमारी कामना है। तो मैं इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा सबसे पहले, और मैं आनंद जी से पहले यह चाहूंगा कि आनंद जी अपने बारे में आप कुछ बताइए बच्चों को, कैसे शुरुआत हुई, कैसे क्या हुआ और फिर इसके बाद फिर प्रश्नोत्तर का सिलसिला शुरू हो। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि श्री रवि सर इतना कीमती मूल्यवान समय अपना उन्होंने दिया, मुझे आशीर्वाद दिया और मार्गदर्शन तो सर का ऑनलाइन के माध्यम से आज ऑफलाइन भी मिला, ये मेरा सौभाग्य रहा। और टारगेट ऑन का साथ कितना रहा मेरा, मैं जुड़ा तो बहुत पहले से था इसमें टारगेट ऑन में, लेकिन पहला बैच जो मैंने परचेज किया वो एकलव्य बैच था जो मैं 2021 में मार्च में
परचेज किया और वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा मौका साबित हो गया। मैं ऐसे मौके को प्राप्त करना चाहता था और मेरी किस्मत भी अच्छी रही कि मैं 21 साल जस्ट पूरा किया और उसी समय वैकेंसी आई। सर का मार्गदर्शन मिला, पूरे टारगेट ऑन का मार्गदर्शन मिला जिसमें संदीप सर, रवि सर और ज्योति मैम, अमरेश सर, सभी का मार्गदर्शन और आशीर्वाद मिला, जिसका परिणाम आज ये रहा कि मैं आप सभी के बीच बैठा हूँ और सर्ग का मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद प्राप्त कर रहा हूँ। आनंद जी बताइए कि कैसे आपको मतलब ये लगा कि आपको पुलिस की तैयारी करनी चाहिए और आपकी शिक्षा दीक्षा चल रही थी, क्या चुनौतियाँ उस शिक्षा दीक्षा में थी और ऑनलाइन ने आपके चयन में कैसे मतलब एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? सर, सबसे पहली बात तो ये है कि पुलिस में जाना ऐसा कुछ मोटिव नहीं था। सही बात तो ये है कि मध्यवर्गीय परिवार के लोग नौकरी चाहते हैं, ना उनसे मतलब नहीं कि पुलिस में जाना है कहाँ जाना है, पहला लक्ष्य उनके लिए नौकरी होता है, वही लक्ष्य मेरा भी था, ये कोई टारगेटेड नहीं था, लेकिन हाँ ये था कि मुझे करना है। अच्छा, इससे पहले भी मैं 2018 में कांस्टेबल के और 2019 के कांस्टेबल, मेरा दोनों में एग्ज़ाम क्लियर हुआ। सर मेरा रेस नहीं हो पाई थी उस समय, क्योंकि मैं एक भी दिन नहीं दौड़ा और सीधे एडमिट कार्ड निकाल के और ट्रैक पे पहुंच जाता था, तो वहाँ मेरा ख़राब हुआ। लेकिन 2021 में जब सर का मार्गदर्शन मिला और एक मोटिवेशन लगातार सर देते रहे, चाहे वो करंट अफेयर्स की क्लास रही और रटले, जिसके माध्यम से लगातार मोटिवेट करते रहे, और वही वजह बन गई मेरे लिए कि मैं उस बार जब परीक्षा देके निकला और जब उसका आंसर की मैंने देखा, उसके बाद से मैंने फिर सोचा कि इस बार मैं दौड़ूंगा। तो मैंने रनिंग की थोड़े दिन लगभग 2-3 महीने तैयारी भी की और सर के आशीर्वाद से, ईश्वर की कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से वहाँ पर सफलता प्राप्त हुई और अंतिम चयन सूची में भी मेरा नाम आया, यही मैं कहना चाहता हूं सर। तो इस समय ट्रेनिंग कहां पे चल रही है आपकी? ट्रेनिंग सर एपीटीसी सीतापुर में चल रही है पिछले 6 माह से और ये मध्यावधि अवकाश में आपसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो कम से कम मध्यावधि अवकाश में आप आए तो सबसे पहले गुरुओं की याद आई, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और आप लोग जब आते हैं तो विश्वास मानिए कि बहुत मतलब नई ऊर्जा का संचार होता है, चूंकि आप चयन लेके आए हुए हैं और बहुत अच्छा लगता है। आनंद जी मैं ये पूछना चाहूंगा कि जैसे जो लोग दूरस्थ माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, बैच लेते हैं, उनके लिए आपके क्या सुझाव हैं, किस तरीके से उनको अपनी पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, कितने घंटे देने चाहिए और क्या ऑनलाइन से पूरा मतलब पढ़ के चयन हो सकता है और मतलब आपने और किन किन चीजों का सहारा लिया, इसके बारे में थोड़ा सा बच्चों को जरूर बताएं, साथियों को जरूर बताएं। जी सर, मैं सबसे पहले यही कहूंगा कि ऑनलाइन बहुत अच्छा है, लेकिन आप शुरुआत हमेशा ऑफलाइन से ही करें, ऑफलाइन में पढ़ें। अभी तो फिलहाल ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि टारगेट ऑन भी अब ऑफलाइन बैच जारी कर दिया है और अपने इलाहाबाद में 2 ब्रांच हैं सर के हिसाब से, 2 ब्रांच हैं और उन दोनों ब्रांचों में ऑफलाइन भी आप पढ़ सकते हैं। हम लोग तो नहीं पढ़ पाए टारगेट ऑन में, लेकिन ये बड़ा जरूरी है कि शुरुआत सर ऑफलाइन से ही होनी चाहिए। ऑनलाइन उसके बाद आपके लिए कारगर साबित होता है। ऑनलाइन आपका जो आप जो हीरा आप हैं उसको तराशने का कार्य करता है। ऑनलाइन आपको सजा देता है और वही सजाना ही आपको बना देता है बहुत कुछ। ऑनलाइन ने मेरे लिए यही किया। ऑनलाइन की जहाँ तक बात है सर, लेक्चर आप मिस मत कीजिए। मैंने देखा है सर कि ज़्यादातर जो विद्यार्थी हैं क्लास ले लेते हैं, परचेज कर लिए, 15-20 दिन खुशी खुशी देखे भी, उसके बाद वो आते ही नहीं है, वो ना देखते हैं ना कुछ। मैंने क्या किया था सर, मार्च 21 में मैंने लिया और 30 नवंबर 2021 को मेरा एग्जाम था। उस दौरान टारगेट ऑन के यूट्यूब चैनल पे कोई ऐसा वीडियो नहीं होगा जिसको मैंने नहीं देखा। अपने बैच से हटकर, अपना बैच के तो सारे लेक्चर मैंने देखे, उसके अलावा टारगेट ऑन में जो यूट्यूब चैनल में और सर का चैनल अलग है एक रवि पी तिवारी सर के नाम से, उस चैनल में भी सर रटलो और अन्य चीजें क्लासेस चलाते रहे, मैं उन क्लासों को लगातार देखता रहा। अगर आप जुड़िए, मेरा मानना है आप किसी भी कोचिंग से जुड़े हों तो उस कोचिंग पे भरोसा करके और पूरा विश्वास करके और उस पे लगे रहें, उन गुरुओं का पूरा मान रखें और ये मान के चलें कि इनका मार्गदर्शन मुझे सफलता की सीढ़ियों से उस मंजिल तक पहुंचा देगा। इसमें देखिए 2 बातें बहुत स्पष्ट हुई जो आनंद जी ने कही। पहली बात तो स्पष्ट हुई कि आपकी रेगुलरिटी होनी चाहिए। हम लोग हमेशा ऑनलाइन में कहते हैं कि डेली का काम आप डेली पूरा करिए। आज हम लोगों ने जो 4 घंटे पढ़ाया है, उस 4 घंटे का जो भी मटेरियल है, जो भी होमवर्क हमने आपसे दिया है, क्योंकि आप हमसे दूर हैं, हम आपको प्रत्यक्ष देख नहीं सकते, तो हम भरोसे पे चलते हैं कि हमने इतना दे दिया और मेरे बच्चे ने इतना कर लिया। तो सबसे पहले तो उन्होंने ये बताया कि प्रतिदिन का मैटर प्रतिदिन क्लियर करिए। रेगुलरिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप घर बैठ के ऑनलाइन पढ़ते हैं ना, तो आप अपने प्रति स्वयं सबसे ज्यादा जिम्मेदार होते हैं और आपको खुद ही देखना पड़ेगा कि कितनी ईमानदारी से आप पढ़ रहे हैं। मार्च 21 में एक निर्णय लिया पढ़ने का और नवम्बर 21 में किस्मत बदल गई, बहुत अच्छा पेपर किया और आज आपके सामने ट्रेनिंग के माध्यम से बैठे हुए हैं। तो यही बात होती है कि आप कितनी चीज़ों को बेहतर तरीके से कंसीडर कर रहे हैं, जो हम लोग बता रहे हैं उनको कितना ले रहे हैं।
संदीप सर ने गणित में बहुत मेहनत की, संदीप सर के बारे में बताया अभी जो है आनंद जी ने कि जब वहाँ पे हमने पेपर देखा तो हमें लगा कि चीज़ें बहुत मतलब सहज हैं, बहुत आराम से हम कर रहे हैं। और सर ने जो चीज़ें बताई थी गणित के बारे में और उससे लेवल बहुत अच्छा है, बहुत कम है और हम आसानी से उस पेपर को टैकल कर पा रहे हैं। वी के शुक्ला सर ने जो मूल विधि में पढ़ाया, अमरीश भट्ट सर ने जो हिंदी में पढ़ाया, गौरव नरियन सर ने जो भूगोल में पढ़ाया, बाकी इतिहास के अध्यापकों ने जो पढ़ाया, तो सभी जो अध्यापक थे, सभी अध्यापकों की मेहनत के बारे में आनंद जी ने बताया कि सर मटेरियल ऐसा था, चीज़ें ऐसी थी कि वहाँ पर बहुत बेहतर तरीके से हमें माहौल लगा और हमने बहुत सहज तरीके से अपने पेपर को किया। पहले की तैयारी हमेशा आपको ये दिखाती है कि वहाँ पर जब आप पहुँच रहे हैं, अगर आपने हमारी सारी बातों को सुना है तो आपका पेपर बहुत अच्छा हो। तो मैं हमेशा आप सभी से कहता हूँ कि हम सभी लोगों के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, केवल और केवल हम पा सकते हैं, चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। और इसीलिए आप लोगों से मैं हमेशा अनुरोध करता हूँ, एक अच्छे सीनियर की तरफ से अनुरोध करता हूँ कि भाई पढ़िए, यह दो चार महीने की मेहनत केवल आपकी ही जिंदगी नहीं बदलेगी बल्कि ये पूरे परिवार की जिंदगी बदल देगी, आपके पूरे जीवन को सिक्योर कर देगी। और एक सामान्य पृष्ठभूमि का बालक आप ही जैसा है जिन्होंने बड़े संघर्षों में पढ़ाई की, आनंद जी ने हमको और भी बताया कि जब वो परीक्षा के प्रक्रिया में थे, तैयारी कर रहे थे, तो पिताजी कुछ गंभीर समस्याओं से गुजरे, कुछ हेल्थ इशूज उनको हुए, लेकिन वो अड़ग रहे और अड़ग रहते हुए आगे बढ़े। मैं आनंद जी से और अनुरोध करूंगा कि आनंद जी और आपको अगर मन में कोई ऐसी बात हो जो आप बच्चों से शेयर करना चाहते हैं तो जरूर शेयर करिए आप अपने साथियों से, जिससे ये लोग थोड़ा सा अपने अंदर ऊर्जा का संचार कर पाए और बेहतर तरीके से तैयारी के मार्ग पर आगे बढ़ पाए। सर मैं दो तीन चीजें इसमें इंक्लूड करना चाहूंगा। पहली चीज तो ये है कि सर जिस भी विषय में आप बिल्कुल से नए हो उसकी नोट्स जरूर बनाए। उसकी नोट्स बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप जैसे मान लीजिए आपकी मैथ सही है, रीजनिंग सही है, तो आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन जैसे मैं यूपीएसआई का बैच जब ज्वाइन किया सर, तो मैं मूल विधि पहली बार पढ़ रहा था। अच्छा, तो मैं मूल विधि जब पहली बार पढ़ रहा था, चूंकि राज व्यवस्था तो हम लोग पढ़ते हैं लेकिन मूल विधि नहीं पढ़ते हैं, मूल विधि सिर्फ यूपीएसआई के लिए मुझे पढ़ना पड़ा, तो उसकी मैंने नोट्स बनाई क्योंकि मैं पहली बार पढ़ रहा था। अगर मैं उसकी नोट्स नहीं बनाऊंगा तो फिर ज़्यादा दिक्कत होगी। तो हम अगर किसी विषय से पहली बार रूबरू हो रहे हैं तो उसको ऑनलाइन देख के छोड़ना नहीं है, उसकी नोट्स जरूर बनानी है। पहली चीज़ तो ये रही। दूसरी चीज़ ये रही कि सर मैं एकलव्य बैच के ज्वाइन करने के साथ साथ ही मैं उसी साल यूपी का जो यूपी ट्रिपल एससी जो पेट का एग्ज़ाम कराती है मैं उसमें भी शामिल हुआ और केवल टारगेट ऑन के भरोसे शामिल हो गया कि टारगेट ऑन में रवि सर और संदीप सर ने भरोसा दिलाया कि हम मैराथन चलाने वाले हैं और आप लोग उसको देखिए और उसी से प्रेरित होइए। तो मैं उसके सारे वीडियोस देखा और मेरा पेट में स्कोर ठीक रहा, 84 रहा मेरा स्कोर, जो एक ठीक ठाक स्कोर था। और उसके बाद मैं सर के ही जो मैराथन क्लास चलाए उसी का ही प्रयोग करके, उसी माध्यम का उपयोग करके मैं यूपी टेट में और सी टेट में भी, यूपी टेट मैंने 130 और सी टेट मैंने 120 स्कोर किया, जो कि एक अच्छे औसत से बेहतर स्कोर रहा। और मुझे लगता है कि आप सभी भी अगर ऐसा करें कि किसी भी एक संस्था के भरोसे, क्योंकि आप YouTube पे देख रहे हो, चाहे Facebook पे देख रहे हो, कहीं भी देख रहे हो, आप एक चीज़ जानते हैं कि YouTube पे सैकड़ों चैनल ऐसे हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड हैं, लेकिन आप अगर सैकड़ों चैनल को फॉलो करेंगे तो समस्या हो जाएगी। तब आपके सामने इतना ज़्यादा कंटेंट होगा और आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं हो पाएगी। तो मेरा एकमात्र मानना है कि आप किसी भी कोचिंग पे अगर भरोसा करते हैं तो पूरा कीजिए और उन गुरुओं पे भरोसा कीजिए जो आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं। कितने लोग ऑफ कैमरा यहाँ खड़े हुए हैं जो लोग आपके लिए दिन रात नोट्स बनाते हैं, आपको पीडीएफ भेजते हैं, आपके लिए कितनी मेहनत की जाती है यहाँ। बहुत अच्छी बात आनंद भाई ने बताई, उन्होंने सारी चीजें आपको बताई कि किस तरीके से आपको इस पथ पर आगे बढ़ना है। आप अपने नोट्स रेगुलर बनाइए, हम लोग तो नोट्स देते ही हैं, क्योंकि जब आप किसी टॉपिक को अपने नोट्स के माध्यम से लिखते हैं तो आपका विजन और कॉन्सेप्ट दोनों क्लियर होता है, क्योंकि एक बार जब हम लिख लेते हैं तो वो चीजें हमें कभी भूलती नहीं, जो भी हमारे डाउट्स होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। तो देखिए अपने अपने तरीके होते हैं और हमें हमेशा जो अच्छे विद्यार्थी होते हैं, जैसे एक होता है मनोविज्ञान में कल्चर ऑफ कॉन्कर, जिसको हम कहते हैं विजेता की संस्कृति, विजेता की संस्कृति के अच्छे पहलुओं को हमें अपने व्यक्तित्व में जरूर शामिल करना चाहिए, हमें अपनी आदतों में जरूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि वही हमारी सफलता के आयाम बनते हैं और वही हमें सफलता तक ले जाते हैं। तो बहुत अच्छी बात है आनंद जी ने यहाँ पर आपको बताई कि कैसे आप चीजों को कर सकते हैं, कैसे उन्होंने नोट्स बनाए। मैं आनंद जी से एक और चीज पूछूंगा कि आनंद भाई ये बताइए कि लगभग कितने घंटे की पढ़ाई आप घर पर करते थे, कितना सेगमेंट किस चीज को आप देते थे और कैसे मतलब दिन भर का आपका रूटीन होता था लगभग।
सर मेरा यही था कि क्लास तो मुझे रेगुलर देखनी है, मतलब मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया कि मैं 10 दिन ना देखूं और फिर 10 दिन का क्लास कवर करता रहूं, क्योंकि आप अगर ऐसा कर दिए एक बार 6 घंटे की अगर क्लास डेली चल रही है, आपने 6 दिन भी मिस कर दिया तो आप इतना पीछे हो गए कि आप कवर करने में महीनों लग जाएंगे फिर। तो रेगुलर क्लास देखनी है, क्लास के बाद आपको जो जो ज़रूरी लगता है उस दौरान नोट्स बनाते रहिए। जैसा मैंने पहले भी कहा, नोट्स बनाने के अलावा सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको किताबें प्रैक्टिस के लिए ज़रूर लेनी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ इस बात को लेकर कि सिर्फ डिजिटल माध्यम से सफलता नहीं प्राप्त हो सकती। करेक्ट सर, आज भी मैं मानता हूँ कि जो चाहे सर की किताबें हों, चाहे किसी की भी, आपकी आपको जहाँ पसंद हो, जिनकी किताबें पसंद हो, प्रैक्टिस के लिए आप किताबें ज़रूर लीजिए। सिर्फ ऑनलाइन के माध्यम से सर पढ़ाएंगे, फिर प्रैक्टिस कराएंगे, कितना करा सकते हैं आप भी जानते हैं और आप कितना देख सकते हैं, लेकिन आप अगर किताब से करेंगे प्रैक्टिस तो आप 4-4, 6-6 घंटे कर सकते हैं प्रैक्टिस। हालांकि मैं नॉर्मल ऐसे दिनों में, सामान्य दिनों में मैंने 4 से 5 घंटे दिया समय, और बाकी जब एग्ज़ाम पास में आता है तो लोग अधिकतम समय दे पाते हैं, जितना भी 8 से 10 भी देते हैं। ज़्यादा भी होना है कि अगर कवर करना है कि हाँ इतना रिवाइज करना है, जैसे आखिरी 3-4 दिन में मुझे पूरा रट लो देखना था दोबारा, और ये सब चीज़ें करंट कवर करना था कि हाँ हो जाए, मूल विधि रिवाइज करनी थी, तो वो सब चीज़ें आप आखिरी लगभग 1 महीने 15 दिन में, तो आप बहुत मेहनत करना चाहिए जितना अधिक से अधिक हो सके। लेकिन सामान्य दिनों में मुझे लगता है सबसे पहली चीज़ ये है सर कि सबका एक अपनी एक क्षमता है, जिस चीज़ को तैयार करने में हो सकता है मुझे 4 घंटे लगते हैं, किसी को 3 में हो जाए और किसी को 5 लग सकते हैं। तो आप अपनी क्षमताओं को देखिए। पिताजी मेरे कहते हैं, पिताजी मेरे अध्यापक हैं, और उनका कहना है आपका कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ सिलेबस से है, व्यक्ति से है ही नहीं। आप कहीं भी शामिल हैं, आपका कंपटीशन सिलेबस से है। जिस दिन आप सिलेबस के साथ कंपटीशन करना चालू कर दिए, आपकी सफलता कोई नहीं रोक सकता। तो बहुत अच्छी बात आनंद जी ने बताई कि भाई अपने सिलेबस को अच्छे से पूर्ण करना है, अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना है। सबकी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी अलग अलग होती है, और अपनी क्षमताओं के हिसाब से आगे बढ़िए। और एक सिलेबस को आपको एक जीवन में एक ही बार अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि एक टॉपिक को अगर एक बार अच्छे से तैयार कर गए और ऐसे पूरे सिलेबस को एक टॉपिक माना, तो आपका चयन आपसे कोई छीन नहीं सकता। और निश्चित रूप से इसका एक उदाहरण आपके सामने बैठा हुआ है। तो ये सब बातें हैं जो आनंद जी के साथ हम लोगों की हुई हैं, और बहुत अच्छा लगा। और मैं अपनी और आनंद जी की तरफ से आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पर मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, और आनंद जी का भी आपसे बात करने का उद्देश्य यही था कि आप भी यहाँ के बैठे हैं। आप जब यहाँ से बोलते हैं तो इससे लाखों बच्चे मोटिवेट होते हैं, लाखों साथी मोटिवेट होते हैं, और उनके मन में एक जज्बा जागता है कि हम भी कर सकते हैं और हम भी इसको करके दिखा सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोग भी इसको करेंगे और आप सभी लोग भी यहाँ पर आएंगे, और मैं ऐसा सम्मान आपका बारम्बार करना चाहूँगा। तो आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं मेरी और आनंद जी की तरफ से। आप लोग खूब अच्छे से मेहनत करते रहिए, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। पूरी टारगेट ऑन टीम की तरफ से, मैं सभी अध्यापकों के बिहाफ पर बात कर रहा हूँ आनंद जी से, तो सभी अध्यापकों की तरफ से, इस परिवार की तरफ से, आनंद जी की तरफ से, आप लोगों को आने वाले भविष्य के लिए अनंत शुभकामनाएं, और हम सभी लोगों की तरफ से आनंद जी को ढेर सारा स्नेह और प्रेम। नमस्कार।